आज होशियारपुर में कांग्रेस पार्टी के एसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नितिन राउत प्रेस वार्ता करने पहुंचे और जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पंजाब में किसानों की तरफ से पिछले 3 सालों में 36,000 किसानों ने आत्महत्या की है, 1 साल में 12,000 किसान और 1 महीने में 1,000 किसान और इससे 1 दिन में 33 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वही डॉक्टर नितिन राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये असमंजस पैदा हो गया कि डॉक्टर नितिन राउत केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं या वे पंजाब सरकार की, क्योंकि पंजाब में तो पिछले समय से कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार है। उधर इस मौके पर डॉक्टर नितिन राउत प्रेस वार्ता के दौरान मोबाइल पर संदेश पढ़कर मीडिया को सुनाते भी नजर आए। बता दें कि एसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नितिन राउत डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल के लिए चुनाव प्रचार करने हेतु होशियारपुर पहुंचे हुए थे। जाने जा रहे आज तो ये बात सामने आ रही जिससे वो पता लगती है। आज किसानों की बात अगर हम करेंगे, क्योंकि पंजाब में किसान बहुत बड़े पैमाने पे है, पिछले 3 साल में 36,000 फार्मर्स ने सुसाइड किया है, यानी 1 साल में 12,000 किसानों ने आत्महत्या किया, 1 महीने में 1,000 किसानों ने आत्महत्या किया और 1 दिन में 33 किसान आत्महत्या कर रहा है। हम देश के हित की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करती है कांग्रेस पार्टी, हम नौजवानों की बात रखते, किसानों की बात रखते, दलितों की रखते हैं, महिलाओं की रखते। हमें इक्वालिटी की गारंटी दी है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, इस देश में रह सकते हैं, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 5 साल में आई है, 2000 आगे बढ़ रही है, मनुवादी मानसिकता जिसमें समाज में घृणा फैलाना, नफरत फैलाना और इस पर देश को एक विभाजन की कगार पर खड़ा करने का काम किया है। आज टाइम पत्रिका ने जो लिखा है वो कोई गलत लिखा नहीं है कि मोदी। जागृति लहर के लिए होशियारपुर से विकास सूद की रिपोर्ट।